हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो 2 से 3 मिनट में बन जाती है, वो भी बिना गैस के। वैसे भी अभी फेस्टिवल का टाइम है, हर किसी के घर में मिठाइयाँ बनती हैं। आप एक बार इस मिठाई को ट्राई कीजिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए हम लोग मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे एक बाउल और एक मेज़रमेंट के लिए कोई भी एक कप या कटोरी। हम लेंगे 1 कप नारियल पाउडर। ये नारियल पाउडर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो आप सूखे नारियल को ग्राइंड कर सकते हैं। 1 कप मिल्क पाउडर, आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 1/3 कप शुगर पाउडर, ये मैंने चीनी को ग्राइंड करके लिया है, आप लोग चाहें तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और टूटी फूटी। काजू और टूटी फूटी की जगह आप अपने मन पसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वैनिला एसेंस, और वैनिला एसेंस की जगह आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं, पाइनएप्पल, रोज़ और इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप मिल्क। मिल्क थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अपने डो को अच्छे से आटे के जैसे गूंद लेंगे। अब हमारा डो पूरे अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में थोड़ा सा घी डालेंगे और उस घी में अपने डो को अच्छे से गूंदेंगे। अब हम इसे एक अच्छी सी शेप देंगे, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्रिज से निकाल के काट लेंगे। हमारी बर्फ़ी रेडी है खाने के लिए। अब मैं बताती हूँ ये मिठाई बनाते टाइम हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, मिल्क हमारा बहुत ठंडा होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर हमारा डो थोड़ा गीला हो जाता है तो हम उसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल के 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद काटेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।